सीतारमन मध्यम्बर के लिए राहत की घोषणा कर सकती है। ये उनके बजट भाषण का सबसे प्रत्याशित हिस्सा होगा। चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला और इसलिए उनकी उम्मीदें बहुत अधिक हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को उजागर किया और उनकी सरकार ने सुधारों के परिणाम को प्रदर्शित किया। पीएम मोदी ने कहा, यह आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है, क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमआई और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों पर अलग से बहस होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयकों पर 8 घंटे की चर्चा और 4 मंत्रालयों के कामकाज पर 4-4 घंटे की बहस होने की संभावना है। बता दें कि केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री के तौर पर उनका 7वां बजट होगा। बता दें कि मोरारजी देसाई ने कुल 10 बजट पेश किए हैं। 2 बार जन्मदिन के मौके पर मोरारजी देसाई ने देश का बजट पेश किया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज केंद्रीय बजट पेश होने से पहले अपने आवास से निकल चुके हैं। पंकज चौधरी ने कहा, ये बजट पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। आज वो 7वीं बार बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5,000 रुपए प्रति माह और 6,000 रुपयों की एक मुश्त सहायता होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि IBC के तहत और NLCT ट्रिब्यूनल खोले जाएंगे। सरकार डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल खोलने जा रही है। इसके अलावा देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एप्लीकेशन विकसित किए जाएंगे। 1,00,000 रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक का पैसा सरकार देगी। इसके लिए E-vouchers लाए जाएंगे, जो हर साल 1,00,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाए जाएंगे। 6 करोड़ किसानों को जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।